सो दोस्तों, क्या आपको याद है क्या आपने आपकी आखिरी बियर कब पी थी लॉकडाउन के बाद जब वाइन शॉप बंद हुए थे? नहीं ना, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप घर बैठ के कैसे अल्कोहल बेस्ड होममेड जिंजर बियर ब्लॉन्ड स्टाइल बीरा स्टाइल बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मेरा वीडियो। मेरा वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ सिखाने के लिए मैं बना रहा हूं। मैं किसी भी अल्कोहल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता या बढ़ावा नहीं देता, ये मेरा उद्देश्य नहीं। सो सबसे पहले हमने जार में पानी लिया है। अभी हम इसमें मिलाएंगे ग्रेटेड जिंजर। अभी हम इसमें अदरक डाल रहे हैं। आप देख सकते हो हमने कैसे अच्छे से अदरक को पानी में मिलाया है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच गुड़ की पाउडर डालने वाले हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि इसमें पानी, गुड़ और अदरक मिलाया है। अभी मेरे घड़ी में 4 बजे है। अभी मैं इसे कपड़े से ढक दूंगा और 24 घंटे बाद कल फिर 4 बजे इस प्रोसेस को दोहराएंगे। अब हम इसे 24 घंटे के लिए घर के ही तापमान पे स्टोर करके रख देंगे और कल प्रोसेस की शुरुआत वापस से एक बार करेंगे। अब हम इस ढके हुए कपड़े को निकाल देंगे। सो आज हम बियर बनाने के प्रोसेस के दूसरे दिन पहुंच गए हैं। अभी 24 घंटे बीत चुके हैं। कल हमने जितना अदरक लिया था उतना ही अदरक हमने आज लिया है। उसके साथ हमने 3 चम्मच गुड़ की पाउडर ली है। अब हम इसे ग्लास जार में मिला देंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें बबल तैयार हो चुके हैं और हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। अब हम इसमें पानी मिला रहे हैं ताकि नए मिक्सर के साथ ये अच्छे से मिले। अभी हम और 24 घंटे के लिए रुकेंगे और इसे कपड़े से ढक देंगे ताकि ये बहुत स्ट्रांग हो जाए। एक बार हम इसे फिर अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसे वापस घर के तापमान पे छोड़ देंगे। अब हम कुछ फ्लेवर वाटर बनाएंगे जिससे हमारी बियर बन सके। तो हम इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। अभी हमने 2 बर्तन लिए हैं, इसमें हम 1-1 लीटर का पानी डालेंगे। अभी हम इसमें अदरक डाल रहे हैं। अब हम इसमें गुड़ की पाउडर डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमें इसे थोड़ी देर और उबालना है ताकि इसका स्वाद इस पानी में अच्छी तरह से उतर जाए। अब हम इसमें नींबू का रस मिला रहे हैं। अब हम इसमें बचा हुआ गुड़ पाउडर और अदरक डालेंगे। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी हम इसे ठंडा करने छोड़ देंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। एक बार जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें शहद डालेंगे और जो बग हमने बियर के लिए बनाया है उसे भी इसमें मिलाएंगे। अभी ये जो पानी है जो घर के तापमान पे आ चुका है, जार में जो हमने बग क्रिएट किया था उसे आधी मात्रा में छानेंगे और आगे बियर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। This is how it looks now. हमने अब इसे अच्छे से छान लिया है और बाकी का बग हमने रख दिया है अगर हमें और ज्यादा बियर बनानी है तो। So हम इस आधे मिक्सर को हमारे पहले फ्लेवर वाटर में मिला देंगे।
आप देख सकते हो इसमें अदरक के कुछ छिलके ऊपर तैर रहे हैं। सो हम इसे फिर से एक बार छानेंगे कपड़े के साथ। अभी हम इसे प्लास्टिक की या कांच की बोतल में डालेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर वाले हिस्से में काफी जगह छोड़ी है। इसी तरह से हमारा बचा हुआ बियर का पानी हम सारी बोतलों में डालेंगे और अगले 48 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे बंद करके छोड़ देंगे। तो बचे हुए पानी को हम इसमें मिला देंगे। अभी हमने बियर के बॉटल्स को स्टोर रूम में रख दिया है ताकि वो आगे और फर्मेंट हो जाए। बचे हुए बग में हमने गुड़, अदरक और पानी मिलाया है ताकि हम और बियर बना सके। बियर को मैंने ऑलरेडी ठंडा कर लिया है, अब हम इसे खोलने वाले हैं। मैंने अभी ठंडा ग्लास लिया है इस बियर को इसमें डालने के लिए। अभी मैंने स्टोर की हुई आखिरी बियर ली है। इसको मैंने करीब 72 घंटे के लिए फर्मेंट किया था, अभी इसे चिल करके बाहर निकाला है। इसमें ज्यादा मात्रा में गैस फॉर्म हुआ है, तो खोलेंगे तो पता चलेगा। सो दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग विद सम गुड अमाउंट ऑफ एल्कोहल। सो आप भी घर पे बियर बनाइए और इस चिल्ड बियर का स्वाद लीजिए। चीयर्स।